हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं बनाने जा रही हूँ पुदीना फ्लेवर शरबत। तो शरबत बनाना इतना आसान है कि आप मात्र 2 मिनट में इसे बना के रेडी कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें कुछ ही सामानों की जरूरत पड़ेगी और हमारा तरोताजा पुदीना फ्लेवर शरबत घर में बन के तैयार हो जाएगा। तो इसे बच्चा ही बना सकता है, तो जरूर इस ट्राई करें आप शरबत को। और मैं किस तरह से बना रही हूँ आप जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम नींबू का ये जूस बना के अगले वीडियो में आपको बताई हूँ कि किस तरह से जूस बना के और 6 महीने के लिए एयर टाइट, यानी कि एयर टाइट डब्बा है, ये कांच का डब्बा है, उसमें हम भर के रख लिए हैं। 6 महीने तक आप स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए, इधर हम पुदीना का पत्ता लिए हैं और बिल्कुल नरम नरम पत्ते हम तोड़ ले रहे हैं। जब भी आप पुदीना का शरबत बनाएं या जूस बनाएं, जो भी आप बोलते हो, तो पुदीना लें बिल्कुल हरा और नरम नरम पत्ता तोड़ कर डाल लें। एक हम जार में डाल लिए हैं, थोड़ा सा पानी डाल के ऐसे बिल्कुल फाइन ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद में देखिए, एक छन्नी के हेल्प से हम उसका पल्प ऊपर ही रह जाएगा और जूस जूस नीचे आ जाएगा। आप बिना छाने पुदीना फ्लेवर शरबत को ना बनाएं। तो देखिए, जो हम शरबत बना के स्टोर करके रखे हैं, तो इसमें से हम खोल के जितना आपको मीठा पसंद है 2 चम्मच 3 चम्मच डाल सकते हैं। तो एक चम्मच के हेल्प से मैं 3 चम्मच डालूंगी, क्योंकि हमारा जो गिलास है वो बड़ा है। तो देख सकते हैं, मैं 3 चम्मच इसमें डाल ली। अब हमें करना क्या है, आप चाहें तो यहाँ पे आइस क्यूब डालें या चिल्ड पानी डालें। तो देखिए, मैं चिल्ड पानी डाल ले रही हूँ और गर्मी में आप इसका मजा ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता लगता है पीने में भी शरबत का, क्योंकि इसमें पुदीना है। और आप चाहें तो थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं फ्लेवर, जैसे कि भुना हुआ जीरा पाउडर डालें, काला नमक डालें, और आप चाहें तो कुछ भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। चाट मसाला डाल सकते हैं, जैसा कि हम लोग बाजार में शिकंजी वगैरह पीते हैं, उस तरह का आपको टेस्ट आएगा इसमें। एक बार चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लें और देखें इसका कमाल, कितना झटपट 2 मिनट में बन के रेडी हो गया। तो है ना आसान पुदीना का शरबत बनाना। और जब भी आपके घर गेस्ट आए तो फटाफट आप तरोताजा पुदीना फ्लेवर या किसी भी फ्लेवर में आप बना के दे सकते हैं अपने मेहमान को। तो देखिए कितना आसान है, और इसे बनाना और इसे पीना भी उतना ही हेल्थफुल है, यानी कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो देखिए ना, तो आप जरूर बनाएं इसे और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारा ये शरबत बनाने का जो तरीका है वो कैसा लगा। तो हम मिलते हैं आपसे एक नए रेसिपी में। लेकिन अगर जानने से पहले आपसे बताना चाहूंगी कि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और साथ के साथ हमारे चैनल रोजाना खाना हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बिल्कुल फ्री है, इसे क्लिक करें बेझिझक और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी हमारे वीडियो अपलोड होगा आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो है ना मजे की बात। तो हम मिलते हैं एक नई रेसिपी में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।